के काज में तनिक भी विलंब न हो। अब क्यों विलंब हो? अब तो मुझे पता है मैं कर सकता हूं कि राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो। जाने किस हाल में है मेरी माता जानकी, कि राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो। जाने किस हाल में है मेरी माता जानकी, लेकर दसाने में कहां गया है जानकी को पहचान कर लूं मैं पहले उस स्थान की। धरती की धूल फांकने से कुछ न मिलेगा, धरती की धूल फांकने से कुछ न मिलेगा। भरनी पड़ेगी अब उड़ान आसमान की, जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचेगा कपि। कौन गति रोक सकता है हनुमान की? तो पहला कॉल, जैसे हम कॉल करते हैं वैसे ही हनुमान जी ने अपने मन से सीता माता को कॉल किया। मन से मन की बात हो रही, क्या कह रहे हैं? राम जी के काज में तनिक भी विलंब न हो। जाने किस हाल में है मेरी माता जानकी, लेकर दसानन कहां गया है जानकी को पहचान कर लूं मैं पहले उस स्थान की। तो धरती की धूल फांकने से कुछ न मिलेगा, भरनी पड़ेगी अब उड़ान आसमान की। जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचेगा कपि, कौन गति रोक सकता है हनुमान की। तो जिस नभ मार्ग देव चरण विचरते हैं, जिस आकाश मार्ग में देवता और चारण जाति के लोग विचरण करते हैं, मैं उस आकाश मार्ग से दौड़ा चला रहा हूं। कि जिस नभ मार्ग देव चारण है विचरते हैं, उसी मार्ग से मैं आ रहा हूं माता जानकी। कि जिस नभ मार्ग देव चारण है विचरते हैं, उसी मार्ग से मैं आ रहा हूं माता जानकी। माया भी रावण तो विमान लेके आया, यहां मुझको जरूरत नहीं किसी विमान की। ये नदी नाले पहाड़ सोयोजन समुद्र क्या है, क्षण में ही गति रोक धूमे दिन मान की। दीजिएगा अनुमति जामवंत बाबा, मुझे आ गई है घड़ी अब मेरे प्रस्थान की। तो हनुमान जी कैसे उठे? कि मस्तक ग्रीवा उठा के, गर्दन और सर उठा करके कैसे उस, अब आप कल्पना करो वानरों के झुंड बैठे हैं, बड़े बड़े विशाल वानर, कैसे विशाल वानर, उनमें हनुमान जी कैसे प्रतिक्रिया, उनका कैसा भाव, उनकी स्थिति देखिए आप। जिस ना भरमार्ग दे विचारण है विचारते हैं, उसी मार्ग से मैं आ रहा हूं माता जानकी। माया भी रावण तो विमान लेके आया, मुझको जरूरत नहीं किसी विमान की। ये नदी नाले पहाड़ सोयोजन समुद्र क्या है, क्षण में ही गति रोग धूमे दिन मान की। दीजिएगा अनुमति जामवंत बाबा, मुझे आ गई है घड़ी अब मेरे प्रस्थान की। तो मस्तक ग्रीवा उठा के हृष्ट पुष्ट नंदी जैसे, मस्तक ग्रीवा उठा के हृष्ट पुष्ट नंदी जैसे, शिव जी के यान के समान लगने लगे हनुमान जी। मस्तक ग्रीवा उठा के हृष्ट पुष्ट नंदी जैसे, शिव जी के यान के समान लगने लगे। पर्वत समान उस वानर समूह में।